रांची में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने पीसी की। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी और अमित शाह ने देश को तबाह कर दिया है। साथ ही दावा किया है कि जेवीएम को 65 सीट में ही बहुमत मिल जाएगा और इस बार जेवीएम पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने संताल में सभा रद्द होने का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ा। लोग बोलते हैं, कभी बोलते हैं लोग कांग्रेस में, कभी कोई बोलते हैं जदयू में। भाई जिस पार्टी ने हमें समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की, कोई कोर कसर रखा है क्या बताओ? तो 2014 में जीते, 9 में जीते, तो 14 आते आते सारे विधायक को इधर से उधर कर दिया। और 14 में तो हम 8 सीट जीते थे, तीसरी बड़ी ताकत थे। और दिसंबर में परिणाम आता है, जनवरी या फरवरी में ही सबको पद और पैसे दे करके ले गया। फिर कैसे सोचते हैं? वो तो चुनाव में जब हारते हुए लोग अपने आप को दिखता है ना, और दूसरों को भी लगता है कि ये अब हम लोग हार रहे हैं इनसे, तो लोग इस प्रकार की अफवाह जोर शोर से लोग उड़ा देते हैं। बहुमत के लिए तो 42 की जरूरत है, हमारे उससे अधिक सीटें आ रही है, फिर कौन तोड़ेगा बताओ? तो खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।